नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग वैक्टिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं गदर 2 फिल्म की कहानी के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। फिल्म की शुरुआत में नरेटर नाना पाटेकर आपको तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं कि कैसे तारा को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे अशरफ अली अपनी बेटी को वापस पाकिस्तान ले गया था। वही गदर 2 की कहानी 1971 का युद्ध शुरू होने से पहले की है। बहुत सारी मुसीबतें झेलकर तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाकर अब भारत में बस चुका है। गदर 2 की कहानी भी गदर 1 की तरह बहुत ही रोमांचक है, तो बिना देर किए वीडियो को शुरू कर। फिल्म की शुरुआत में तारा सिंह सकीना और उसके बेटे चीते को 21 साल बाद हंसी खुशी हिंदुस्तान में रहते हुए दिखाया जाता है। तारा सिंह अपने बेटे को एक जवान फौजी के रूप में देखता है और वह कहता है कि मेरी तरह एक ट्रक ड्राइवर की तरह जिंदगी व्यतीत मत करना, बल्कि देश की सेवा करना एक फौजी की तरह, जो कि अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। तारा सिंह का बेटा पक्के हो जाते हैं। फिर जब तारा सिंह हैंडपंप को छूता है तो सभी आतंकवादी डर के मारे वहां से इधर उधर भाग जाते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। फिर तारा सिंह उड़ जा काले कावा तेरे गाना गाता है और बाप बेटे एक बार फिर से मिल जाते हैं। चीते अपनी मोहब्बत को लेकर अपने बाप के साथ हिंदुस्तान की ओर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उन्हें पाकिस्तानी सैनिक पकड़ लेती है और एक जगह पर लाकर बंद कर देती है। हामिद इकबाल चीते को कहता है कि बहुत ज़्यादा उड़ रहा था ना, अब बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। लेकिन चीते बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। उसके साथ सभी बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुस्कान भी बोलती है हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिर तारा सिंह को गुस्सा आ जाता है कि वह अपनी रस्सी को तोड़ कर बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद और हामिद इकबाल को खूब मारता है और वहाँ से एक टैंक लेकर मुस्कान चीते को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पाकिस्तानी सैनिक और हामिद इकबाल तो उनका पीछा छोड़ते ही नहीं। दोनों में युद्ध होता है लेकिन हामिद इकबाल जीत नहीं पाता। जब वो तारा सिंह को मारने ही वाला था तब वो देखता है कि वह हिंदुस्तान में पहुंच चुका है और उसे चारों ओर से भारतीय सैनिकों ने घेर रखा है। हामिद इकबाल अपनी जान की भीख मांगता है तारा सिंह से। तभी तारा सिंह कहते हैं कि तुम्हारे बीवी बच्चे हैं और जिन हिंदुओं को तुमने अपने मुल्क में मारा वो भी कट्टरता के लिए उनके बीवी बच्चे नहीं थे क्या? हामिद इकबाल बोलता है कि गलती हो गई, लेकिन तारा सिंह उसे माफ़ नहीं करता और उसे भी वही सजा देता है जैसा उसने उस दिन हिंदुस्तानियों के साथ किया था अपने मुल्क में। इसके साथ वो यह फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है। तारा सिंह सकीना मुस्कान और चीते हंसी खुशी हिंदुस्तान में रहने लगते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम एक आगे ही ऐसी इसी तरह से या इससे खतरनाक वीडियो बना सकें। तब तक के लिए गुड बाय।